केंद्र सरकार की अहदी हिटलरी फरमान ने जड़े वो कभी पता नहीं जाएंगे जो किसान के मजदूर को सही लग रहा है ओदे उत्ते ही उस केंद्र सरकार तो आप अमल कराना भी हो अपने हकी मंगा उन्हों को बनने वास्ते ही धरना लाया होया है ते सानू अतवादी दसते ने सानू बखवादी दसते ने तू अडे शांत नहीं है डोलर दे रहे शांत नहीं है डोलर दे बैठिया नू गड्डिया दे नाल कुचल के लग जाते ने ओ लोग उन्हां दी निगाह दे विच देश भगत ने भी जो यह तुहाडे कहदा सबूत है जे एक ना कर देगा पहला भी आप कई बार देखिया सरकार गल नहीं सुन दिया यह तुहाडे कहने केंद्र दी सरकार नू मजबूर करता है झोने की खरीद जी शुरू करने वास्ते भी लोग हम दूजी गल कर रहे हैं कि 25 क्विंटल तो वध नहीं खरीदया जाऊगा इसे करके डल्लेवाल साहब ने चेतावनी रैली रखी है टोटल जिन्ना झोना होगा ऐलान करके गए ने पहला भी तो झोना सारा खरीदया जाऊगा पराली जी अग लाई जाऊगी जिथे भी जरूरत पेगी संयुक्त किसान मोर्चे ने जेड़े आगू ने तुहाडे नाल ते डट के खड़ेंगे जिथे भी लोड़ पेगी भी लोग केंद्र सरकार की यह जी हिटलरी फरमान ने जेड़े वो कभी मन्ने नहीं जाएंगे जो किसान ते मजदूर नू सही लगता है ओदे उत्ते ही उस केंद्र सरकार तो आप अमल कराना भी हो 10 महीने तो उत्ते का समा हो गया 11 महीने होने वाले ने भी लोग दिल्ली दिया बरूहा दब के बैठिया आप पर केंद्र सरकार अजे भी अड़िया कर रही है अजे जिद कर रही है वो कह रही है कि डब्बा खाली कर देने डब्बा रहने दो सारा कुछ कर देने बिचो पर असी उन्होंने ये गल कही कि ना डब्बा छड़ना तुहाडे कोल ते ना डब्बे दे विच कोई चीज रहन देनी है सारा कुछ साफ करके जावांगे असी इत्थों भी बैल बदगी कोई साढ़े तो बहुत ही सीनियर आगू युद्ध वीर हूँ बैठे ने उन्होंने भी बहुत कुछ दसना भी लोग दो चार ही गल्ला थोड़े नाल साझिया कर रही ने मैं कि अज नहीं तरी सरकार या केंद्र के अंदर उसे कई तरह के कानून ने भी लोग जेकर अपन हकी मंगा मन रहे हैं असी अपन हकी मंगा उन्होंने तो मन वास्ते ही धरना लाया होया है ते सानू अतवादी दसते ने सानू वक्खवादी दसते ने कभी पाकिस्तानी दसते ने कभी कहते ने चीन वाले नाल भी यारी है ते जेड़े लोग तुहाडे शांतमई अंदोलन दे विच शांतमई अंदोलन दे बैठिया नू गड्डिया दे नाल कुचल के लंघ जांदे ने ओ लोग उन्हां दी निगाह दे विच देश भगत ने भी जो ए कई तरह दे कानून नहीं बनाए केंद्र सरकार ने असी अज दे इस कथ दे विच उस केंद्र सरकार नू और जोगी सरकार नू चेतावनी देने आ कि जिन्ना चिर तुसी देश दे गृह राज मंत्री नू इस कानून दे सकंजे दे विच ना लैंदा उन्ना चिर संयुक्त मोर्चा जिहड़ा ओह टिक के नहीं बैठूगा वीरो उन्ना चिर यह अंदोलन है जिहड़ा जिथे तुहाडियां मंगा जिहड़ियां ने होर उन्हां वास्ते चलदा रहूगा उत्थे उस यूपी ने जिहड़ा ताकतवर अपने आप नूं मंत्री समझदा जिन्ना चिर उहदे ते कानूनी कार्रवाई नहीं हुंदी उहना चिर भी असीं टेके नहीं बैठांगे जी एक गल होर कहनी चाहुंदा बैल दो ना बद गई समा बहुत घट दिता गया दूरों बड़ी चल गया सी हुण बल वाले भी बड़े सी पर चलो साडे आगू बैठे ने उह कढ लैणगे एक गल मैं जो बीबी गुरजीत कौर कह के गई है गल बिलकुल सही है मेरे ख्याल तुसीं मेरे कहण तो बगैर ही सारे सहमत हो इहदे नाल जे सहमत हो तो एक हाथ खड़े करो माड़े 95% लोग इस गल नाल सहमत ने कि जिहड़ी फीम की खेती है यही मेरा ख्याल करजे के जाल विचों तुहानूं कढ सकदी है फीम की खेती करजे के जाल विचों भी कढ सकदी है ते माड़ा मोटा थोड़ा घना वो ला के मेरा ख्याल तुड़का तो वो मेरा ख्याल सारा दिन दिहाड़ी काम भी बंदा वधिया कर लैंदा भी लोग वो थकदा भी नहीं
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਡੇਢ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਵੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕਤ ਰੱਖ ਕੇ